चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का जिम्मा मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिली नई जिम्मेदारी पर चिराग पासवान ने कहा कि पीएम ने जो उन्हें जिम्मेवारी दी है उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। 3 बार सांसद बनने के बाद चिराग को पहली बार केंद्र सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी जिम्मेदारी मुझे दी गई है और ये एक ऐसे विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है जिसकी चर्चा मैंने मेरे विजन डॉक्यूमेंट में हमेशा की थी। मैंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में जो मेरा विजन है उसमें मैंने हमेशा इस बात का मैंने जिक्र किया था कि प्रोसेसिंग यूनिट्स जब तक हमारे प्रदेश में नहीं लगेंगे, खैर अब तो खैर देश भर की ये बात है, देश भर में जब तक नहीं लगेंगे तब तक हम लोग सही मायनों में जो उत्पादन हमारे किसान करते हैं उसकी सही कीमत उनको नहीं मिलेगी। कृषि प्रधान देश है हमारा, ऐसे में ज़रूरी है कि जो उत्पादन वो करते हैं उसकी प्रोसेसिंग बढ़िया से हो, पैकेजिंग बढ़िया से हो, उसकी मार्केटिंग बढ़िया से हो। ऐसे मतलब उदाहरण तो मेरे घर पर ही है, मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अनेकों मंत्रालयों की जिम्मेदारी तब संभाली जब संभवतः उन्हें कोई जानता भी नहीं था और वो जिम्मेदारी निभाने के बाद वो सो कॉल्ड बड़े मंत्रालय बन गए। ऐसे में मैं मानता हूं कि हर मंत्रालय एक बड़ा मंत्रालय होता है। जीतनराम मांझी को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय दिया गया है। मंत्रालय मिलने के बाद जीतनराम मांझी ने खुशी जताई है। मांझी ने कहा कि वो गरीबों के लिए काम करेंगे। जीतनराम मांझी को जिम्मेदारी मिली है, लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। सर बहुत बहुत बधाई आपको, पहली बार कैबिनेट मंत्री बने हैं और बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है। चलिए हम आभार व्यक्त करते हैं प्रधानमंत्री जी का और जी। सही बात है कि जिस परिवेश से हम आते हैं उस परिवेश के लायक ये विभाग है, उसमें हम अच्छा करके गरीबों को उत्थान करना चाहेंगे। इसलिए क्या आपकी प्राथमिकता होगी, चूंकि आपके आपके एजेंडे में गरीब तबका शोषित तबका पहले से रहा है, इसीलिए तो सूक्ष्म और लघु उद्योग गरीब से संबंधित ही है। ज्यादा से ज्यादा गरीबों को लाभान्वित कर सकेंगे, अब डिपार्टमेंट को देखेंगे समझेंगे इसके काफी काम करेंगे, करने का गुंजाइश है, इसलिए हम नरेंद्र भाई मोदी जी को आभार व्यक्त। केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे को 2 मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार मिला है। नई जिम्मेवारी मिलने पर सतीश चंद्र दुबे ने प्रधानमंत्री का आभार जताया और पूरी जिम्मेवारी से उसे पूरा करने की बात कही। जिम्मेवारी मिली है एकदम बढ़िया ढंग से, अच्छा ढंग से 100% काम को करने का प्रयास करेंगे। हम पहला बार विभाग मिला है, विभाग को पहले समझेंगे क्या उसमें हम कर सकते हैं बिहार के लिए, क्या कर सकते हैं देश के लिए, निश्चित रूप से उसमें प्रयास करके करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल जिम्मेवारी।